अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं साधे गीना एक आ गई हूं अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी चुप हो जाओ। तो मैं अभी परसों दो दिन पहले मैं गई थी अम्मी के घर पे। तो एक दिन रुकी थी मैं कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई, पर मैं थोड़ा बहुत शूट किया था, तो मैं वो इसके बाद वो क्लिप आप देखिएगा। तो बात चलते हैं, तब भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी मैं डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर हूँ उनको दिखाने जा रही हूँ, जिनको दानियाल को मैंने बचपन से दिखाया है, ताकि इसको खांसी बहुत आ रही है, रो बहुत रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। तो चले चलते हैं डॉक्टर क्या। और आप जो घर वाली वीडियो थी जिसमें मैंने डैडी की तबीयत की अपडेट दी है, अलहमदुल्ला डैडी ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मिलते हैं, चलिए डॉक्टर क्या। और ये डैडी के घर की वीडियो है। मैं डैडी के घर गई थी तो मैंने वाओ मोमोज से मोमोज ऑर्डर किए थे। तो मोमोज मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे जहाँ का मुझे बस चलता है मैं वहाँ पे मंगा के चेक करती हूँ। तो ये वाओ मोमोज के पहले मैं मोमोज में खा चुकी हूँ, तो ये मैंने इसीलिए ऑर्डर किए थे। तो डैडी को भी काफ़ी पसंद आए, तो मैंने एक वेज स्टीम मोमोज ऑर्डर करे हैं और एक चिकन फ्राइड मोमोज, और स्टीम मोमोज मुझे ज़्यादा पसंद हैं। और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या कौन से मोमोज पसंद है, स्टीम या फ्राइड। मुझे वेज स्टीम बहुत पसंद है। और ये दो शेजवान सॉस आई थी रेड वाली, बाकी कभी कभी ये ग्रीन वाली भी चटनी भेजते हैं, वो बहुत टेस्टी थी पर अब की नहीं आई थी। तो और इनका एक प्लेट काफ़ी सफिशेंट होता है, आई थिंक एक में फाइव होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये है वेज स्टीम मोमोज, आप देख सकते हैं अच्छा खासा मतलब साइज़ है मोमोज का। और मैंने हाँ एक चीज़ वाले डिप भी ऑर्डर की थी टेस्ट करने के लिए, तो बहुत बहुत वैसे ही सादी सादी सी थी। और ये है चिकन फ्राइड मोमोज का साइज़, ये भी अच्छा खासा है। और ये दो सॉस आई हैं, एक पर एक के साथ एक है, तो दो हो गई हैं और ये चीज़ डिप। हाय फ्रेंड्स, तो डैडी अलहमदुल्ला से ठीक हो गए, मोमोज खा रहे हैं अब, माशाल्लाह चल फिर भी रहे हैं, और ये चिकन मोमोज इंजॉय कर रहे हैं। डैडी कैसे हैं, लग रहा है आपको कैसा है? बहुत बढ़िया, टेस्टी है, अच्छा। और ये देखिए, अरे मेरे दोनों बेबी सो गए हैं, दानियाल भी स्कूल से आ गया सोए हैं था, जबकि अभी बजा है सिर्फ 7:45, अभी रात भर जगेगा। अम्मी है नहीं, अम्मी गई हैं डॉक्टर को दिखाने, और ये डैडी अपना खा पी के इंजॉय कर रहे हैं। अरे ये मेरा डैडी कॉल ले लीजिए। अरे ये मैं अपना बहुत ही मैम डैडी का इसको देख के उलझन होती है, बट मुझे स्टीम बहुत पसंद है, आज मैंने मंगा लिया फ्राइड, अदरवाइज आई लव स्टीम। जो मोमोज का स्टीम की स्मेल होती है ना, चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं। और यह चिकन वाला, इसकी जो सॉस है ना इसमें बहुत ही सादी सादी है, बट चिकन का जो अंदर की स्टफिंग है ना वो स्पाइसी है, दोनों की स्पाइसी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये भी ये कांगे कांगे ये चलिए खा के मिलते हैं। मैं बुखार दिया है हुमायूं को, और डॉक्टर ने कहा है कि हाँ थोड़ा सा इनके इन्फेक्शन है, तो उसकी दवा दी है। अभी थोड़ा बहुत तो घर का सामान लेना है, तो हम लोग सदर आए हुए हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं फिर घर जाते हैं। सदर में आए हैं, सदर में डॉक्टर जो बैठते हैं वहीं पे बाज़ार है, तो थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी ले लें। ये मार्केट है सदर की। और ये तो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ, माई को दिखा के फिर थोड़ी बहुत सब्जी लेनी थी, तो हमने सोचा कि वहाँ गए, वहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगती है सदर में, तो सब्जी शायद थोड़ी बहुत पैसे कम होंगे, बट ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रेट चल रहे हैं। आज की सब्जियाँ बहुत महंगी भी हो रही है, आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ माई को दवा पिलाने, में घर आई हूँ और इसके बाद थोड़ा सा माई के आंखें हो रहे हैं, चलिए दवा पिला देती हूँ इनको। एक तो जब डॉक्टर के पास जाओ हर डॉक्टर दवा चेंज कर देता है, पहले आपने कुछ दो फिर दो, और उसके साथ में ये लाई थी ग्राय वाटर, ये टीथिंग के टाइम पे बच्चों को देना चाहिए। मैंने अभी तक हुमायूं को स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं अब दूंगी। तो हुमायूं 8 मंथ्स का है, तो 6 to 8 मंथ्स के बच्चों को ये 10 ml देनी है, 2 tablespoons। तो आप बताइएगा आपने भी कभी ये ट्राई करा है अपने बच्चों के साथ। इसका MRP है 80 rupees। मैंने काफ़ी सुना है, मैंने दानी के टाइम पे भी नहीं पिलाया था, बाकी काफ़ी हमारे घर के सब बच्चों ने भी पिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ अभी हुमायूं को कि हुमायूं की टीथिंग स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया गुज्जू,
क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों लो रहा है, रात दवा पिला जाए। सुमारी ने दवा पी ली है, अब थोड़ा ठीक है, और दोनों बच्चों को भी इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करा रही थी मैं। अब हमारे दिल में है, देखना है वो कितना बाकी कतर में है, इन कलर बिल्कुल। वेरी गुड, तो फेरी बन रही है भगत सिंह, और फेरी ने बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस करी है। अभी बस थोड़ा सा इसमें और करना है, बाकी मैं आपको उसकी दिखाऊंगी इसमें दोपहर में कॉस्ट्यूम। तो फेरी ने कॉस्ट्यूम पहन के दोपहर में दिखाया था, मतलब वहाँ टीचर को वीडियो भेजी थी, वो भी मैं दिखाऊंगी। उसमें थोड़ा थोड़ा फास्ट बोल दिया है, बट वैसे ही बोलना है। देख लीजिए इनकी बदतमीजी, देखो हमारी देख रहे थे पागल हो गई। हेलो, सो ये है नेक्स्ट डे, सुबह रानिया स्कूल जाके आ गया है, और हुमायूं को मैं करा रही हूँ नेमलाइज। तो अभी काफी कफ है, सुबह से बहुत रो रहे हैं, देखिए अभी भी नहीं करा रहे नेमलाइज। सो मैं ये वाला नेमोलाइजर यूज़ करती हूँ हुमायूं के लिए, और ये मैंने 2 साल पहले मंगाया था, तो ये दानियाल के लिए मैंने मंगाया था, तभी आई थिंक 1100-1200 रुपीज़ का था, अभी ये अमेज़ोन पे है 900 रुपीज़ का, और ये काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी तरह के नेमोलाइजर आते हैं, और इसके साथ मुझे दो, एक ये छोटा वाला मास्क मिला था और एक बड़ा मास्क मिला था। सो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था, कल मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, और आज पूरा दिन हुमायूं में चला गया हुमायूं की दवा, बट कल से आज मैं बहुत बेहतर है। बट हुमायूं के, क्योंकि हुमायूं को नॉर्मल कफ कोल्ड नहीं, वो एक इन्फेक्शन था, तो उसकी वजह से मेरे भी हो गया है, दानियाल के पीछे क्या आ रही है, मेरे तो सुबह सर में इतनी दर्द हो रही है, वो पर चला जाएगा। पर हुमायूं माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक क्या मतलब, जो कल 100% से 50% हो गया, बहुत बेहतर है। सो इसीलिए ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत आपको दिखाया था, दिन भर निमोलाइज किया मैंने, दवा दी प्रॉपर, अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक है। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। सब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ चैनल वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग न्यू ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।